अंबेडकर जयंती पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाली शोभा यात्रा मऊ। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के उपलक्ष्य में शनिवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बीती चौराहा पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और वहाँ से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा रेलवे फाटक रोडवेज राजूपुर वहाँ पर स्थित अंबेडकर की प्रतिमा पर कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील गुप्ता ने बाबा साहब के जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला। उसके बाद कार्यक्रम का समापन किया गया। पीएलएल न्यूज के लिए मऊ से सरफराज अहमद की रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ कार्यक्रम उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का रखा गया था। पूरे देश भर में बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने संबंधित बूथों पर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने का कार्यक्रम इस समय कर रहे हैं। उसी क्रम में जिला मुख्यालय पर भाजपा युवा मोर्चा के तत्वावधान में भीटी स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एक शोभा यात्रा के रूप में हम लोग यहाँ पर नगर पालिका परिषद मऊ के बॉर्डर पर ताजोपुर गांव के इस मोड़ पर बाबा साहब के मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद हम लोग यहां पर शोभा यात्रा का समापन हम लोग कर रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में जो पहला मंत्रिमंडल बना था, अंतरिम सरकार बनी थी, उसमें विधि मंत्री भी रहे और उन्होंने सामाजिक समस्या के लिए जो है आजीवन उन्होंने जो है लड़ाई लड़ी और समाज में जो त्रुटियाँ विषमताएँ जो थी उसके लिए वे लगातार संघर्ष करते रहे और पहली बार आज़ादी के बाद पहली सरकार एनडीए की बनी है जिसके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिया सरकार बनने के बाद कि बाबा साहब के नाम से जुड़े जो 5 स्थान हैं जहाँ उन्होंने दीक्षा लिया, जहाँ उन्होंने जन्म लिया, जहाँ उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा, जहाँ उन्होंने शिक्षा लिया, ऐसे सभी 5 स्थानों को पंचतीर्थ घोषित करते हुए 5 स्थानों के विकास के लिए वहाँ पर कई स्थानों पर तो उन्होंने स्मारक बनवाया है। लंदन में 2 करोड़ से अधिक रुपए खर्च करके केंद्र की सरकार ने वहाँ स्मारक बनाने का काम किया। दूसरे दल के लोग जो दावा ठोकते हैं कि बाबा साहब के बारे में, मैं तो समझता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि वे कहते रहे, सरकार में भी काम करने का उनको अवसर मिला था, चाहे संयुक्त सरकार के रूप में यूपीए की सरकार में बहुत सारे लोग रहे, विभिन्न दल रहे जो आज बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन उस समय उनको ध्यान में नहीं था कि बाबा साहब के नाम से जुड़े ऐसे स्थानों का विकास किया जाए या उनके नाम पर बड़े बड़े स्मारक बनवाया जाए जो हमेशा के लिए यादगार साबित हों। किसी ने नहीं किया। मैं किसी का नाम बिना लिए मैं कह सकता हूँ, याद उनको जानना चाहिए। हम लोग बताने का भी काम कर रहे हैं सभी ग्राम पंचायतों में, सभी बूथ स्तर पर जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं सभी कार्यक्रमों के माध्यम से एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बाबा साहब को ठीक प्रकार से, दिखावटी नहीं, ठीक प्रकार से जो है कार्यकर्ता उनको याद कर रहे हैं और समाज में उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यों का उल्लेख भी कर रहे हैं और सीधे सीधे प्रत्यक्ष चाहे सामाजिक समस्या का भाव पैदा करने के लिए सहभोज का कार्यक्रम को न करना पड़े, सब हम हर इकाइयों में सहभोज का कार्यक्रम भी करने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है। हर मंडल में जहां भी बाबा साहब की मूर्तियां हैं उसको वहां पर सफाई करके माल्यार्पण करना और जो है दलित बस्ती में जा करके या उन लोगों को बुला करके अपने साथ आत्मसात करते हुए एक सामाजिक समस्या का अभाव पैदा हो, इसलिए उनके साथ भोजन का काम सहभोज का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं।